Well, there you are. हाँ ऋषभ पंत, इससे अच्छी टेस्ट इनिंग्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऋषभ पंत ने जिस तरीके की बैटिंग की, पहले बीड़ा उठाया, सुरक्षित रखा टीम को, और फिर उसके बाद गियर बदल के जो ताबड़तोड़ बैटिंग उन्होंने की है, और जैसा कि सुनील को महसूस हो रहा है, वही मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने शायद ही इससे बेहतर मुश्किल परिस्थितियों में इतनी बढ़िया पारी खेलने को देखने को मिली है। जिस तरह से खेली है ऋषभ पंत ने, एक और सिंगल दौड़ रहे हैं दोनों खिलाड़ी बहुत मुश्किल से, जबकि उनके ऊपर, इस युवा खिलाड़ी के ऊपर इतनी आलोचनाओं की टीका टिप्पणी की गई है पूर्व में, और जिस तरह से उन्होंने यहाँ प्रदर्शन आज किया है काबिले तारीफ है। और कोई भी भारतीय क्रिकेटर, क्रिकेट प्रेमी होगा, उसका आज सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। ऋषभ पंत ने ये ऐलान कर दिया है, सारी दिशाओं को चेतावनी दे दी है कि आज एक टेस्ट क्रिकेटर का जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है, और आज से यहाँ से वो रास्ते के कांटा बन जाएंगे विपक्षी टीमों के लिए। यू नो आई थिंक देयर इज वन पर्सन ऑन दैट फील्ड विनीत, एंड दैट इज बेन स्टोक्स, हु विल अप्रिशिएट दिस इनिंग्स मोर देन एनीबॉडी एल्स, because he did virtually the same thing single-handedly at Headingley when they against Australia in that famous test match 2 years ago, when he took England from the brink of defeat to a sensational one-wicket victory. That's the type of innings I'm sure inside Stokes will be saying, yes son, you can do it too, I've noticed. And both, remember, left-handed batsmen. बिल्कुल, और left-handers की ना केवल खेलने की शैली बहुत आकर्षक होती है, बहुत ज़रूरत होती है बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा बोनस है। ऋषभ पंत विकेट कीपर बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं, आकर्षक क्रिकेटर हैं, पूरी दुनिया उनके स्ट्रोक्स का लोहा मानती है, लेकिन आज जो सूझबूझ है, आज जो समझ उन्होंने दिखाई है, वो ये है कि ये जो उनकी शक्ति है, ये जो उनकी क्षमता है, उसका कैसे बुद्धिमानी से प्रयोग करना है, ये फैसला उन्होंने आज दिखाया कि वो फैसला करना जानते हैं कि कैसे खेलना है, एक टेस्ट पारी को कैसे पेस करना है, टीम की परिस्थितियों को कैसे जज करना है, और कब स्ट्रोक्स को खेलना है। और ऐसा मौका नहीं गेंद, क्योंकि बाउंस ज़्यादा हो रही है, जैसा कि आपने बताया, उछाल ज़्यादा है, स्ट्रोक प्ले के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, खिलाड़ी थके हुए हैं, शाम का धुंधलका धीरे धीरे आ रहा है, सब सोच रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी सोच रहे हैं आइस टब कब मिलेगा थकान उतारने के लिए, और ऐसे में एक आतिशी क्रिकेट, विस्फोटक बैटिंग ऋषभ पंत की और उसका साथ पूरी तरह से निभाया है वॉशिंगटन सुंदर ने। Yeah, you're talking about the ice bath. They've had ice thrown in them in this particular innings after tea by Rishabh Pant and Washington Sundar. Really ice down their backs more than anything else, England. But I tell you what, I mean, really, one has seen so many great innings. Who can forget Eden Gardens and Rahul Dravid and VVS Lakshman when India were following on? There have been many such instances where a batsman, not just Indian, other batsmen as well, have stood up to the cause or stood up to the task manfully and have scored those important runs to be able to take their team to victory or at least to a good conclusion. But this innings from Pant, the way that he accelerated in the 80s and through his 100 is amazing to see. हाँ, तो ये साबित हो गया है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट, बीसीसीआई ने जो निवेश ऋषभ पंत पे किया वो सही है, उसके रिटर्न्स अब आने लगे हैं। आप भी एक सुरक्षित निवेशक बनिए, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA की सलाह आपको दी जा रही है कि आप एक सशक्त, शिक्षित और जागरूक निवेशक बने। अन्य जानकारी के लिए फोन करें, टोल फ्री नंबर है 1800 114 6671 1800 114 6671 1800 114 6671 1800 114 6671 1800 114 6671। Well, he's out, going, as he says, you live by the sword and die by the sword. It was a short ball from James Anderson and pulled it straight to mid-wicket, absolutely straight as a die, and was taken out for 101, but what 101. Really, to my mind, he went for the shot was on, it was slightly short of length, unlucky that he found the fielder because the ball went in a flash, and he was caught. So really, as I said, you know, words fail us sometimes. 101 of 118 deliveries, taking India to 259 for 7, a lead of 54 runs. As he walks off, everybody stands in the Ahmedabad Stadium to congratulate him. I'm sure that there will be applause from the Indian team as well. And the Ahmedabad Stadium to congratulate him. I'm sure that there will be applause from the Indian team as well. And there you can see over there being caught straight, got the bottom of the bat, I think. And was caught by. Well, there you are. हाँ ऋषभ पंत, इससे अच्छी टेस्ट इनिंग्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऋषभ पंत ने जिस तरीके की बैटिंग की, पहले बीड़ा उठाया, सुरक्षित रखा टीम को, और फिर उसके बाद गियर बदल के जो ताबड़तोड़ बैटिंग उन्होंने की है, और जैसा कि सुनील को महसूस हो रहा है, वही मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने शायद ही इससे बेहतर
मुश्किल परिस्थितियों में इतनी बढ़िया पारी खेलने को देखने को मिली है जिस तरह से खेली है ऋषभ पंत ने। एक और सिंगल दौड़ रहे हैं दोनों खिलाड़ी बहुत मुश्किल से, जबकि उनके ऊपर इस युवा खिलाड़ी के ऊपर इतनी आलोचनाओं की टीका टिप्पणी की गई है पूर्व में, और जिस तरह से उन्होंने यहाँ प्रदर्शन आज किया है काबिले तारीफ है। और कोई भी भारतीय क्रिकेटर क्रिकेट प्रेमी होगा उसका आज सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। ऋषभ पंत ने ये ऐलान कर दिया है, सारी दिशाओं को चेतावनी दे दी है कि आज एक टेस्ट क्रिकेटर का जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है, और आज से यहां से वो रास्ते के कांटा बन जाएंगे विपक्षी टीमों के लिए। यू नो आई थिंक देयर इज वन पर्सन ऑन दैट फील्ड विनीत एंड दैट इज बेन स्टोक्स हु विल अप्रिशिएट दिस इनिंग्स मोर देन एनीबॉडी एल्स because he did virtually the same thing single-handedly at Headingley when they against that again